सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मंगलवार को एक कर्मचारी नू चाकू मार के उसनू मार दिता गया। इस मामले विच एक शक्की नू हिरासत विच लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है। सैन फ्रांसिस्को के दक्षण विच हवाई अड्डे से एक महीने विच ए तीजी सुरक्षा घटना सी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग ने एक बयान विच किया है कि व्यक्ति जिसकी पहचान नहीं हो पाई है उसते टर्मिनल 3 दे बैगस क्लेम खेत्र विच हमला किया गया सी अते गैर जानलेवा सट्टां दे इलाज लई हस्पताल लिजाया गया सी जिथे उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने हमले के संबंध में एक शकी व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दस दिए कि शनिवार को भी ऑकलैंड के एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक झूठे बम की धमकी की रिपोर्ट करने के दोष में गिरफ्तार किया गया सी जिस नाल सैकड़े लोगों को हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मीनल तो बाहर कढ़िया गया सी।